कर सकते हैं। आज बस इतने हुआ कि अंसारी साहब उनके जो सरकारी वकील हैं सीबीआई के, उन्होंने आवेदन देकर कहा कि हम इनको जो ले गए थे हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई और हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, जो पूछना था हमने पूछ लिया, उसके साथ इनको हम हैंड ओवर करते हैं और इनको जुडिशल कस्टडी में बेउर भेज दिया जाएगा। आज बस इतने हुआ कि अंसारी साहब उनके जो सरकारी वकील हैं सीबीआई के, उन्होंने आवेदन देकर कहा कि हम इनको जो ले गए थे हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई और हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, जो पूछना था हमने पूछ लिया, उसके साथ इनको हम हैंड ओवर करते हैं और इनको जुडिशल कस्टडी में बेउर भेज दिया जाएगा। बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां सृजन घोटाले मामले में जिस तरीके से जो आरोपी थे, जो एक्सक्यूज थे, उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई कोर्ट की पेशी के बाद जब बाहर निकली तो मीडिया से मुखाबिर हुई, लेकिन साफ बोलने से इनकार कर दी। पत्रकार सवाल पूछते रहे लेकिन वह नज़रअंदाज करके चलती बनी। जिस तरीके से सृजन घोटाला मामला और चारों तरफ, बिहार के चारों तरफ छापेमारी हुई, अब बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सृजन घोटाले में जिस तरीके से आरोपी से पूछताछ हुई है, बड़े बड़े नाम सामने निकल कर आए हैं, उन नामों पर क्या कुछ होती है और किस तरीके से कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो कुछ भी बोलने से वह इनकार कर रही है, गुम्मी साधी हुई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कई ऐसे नाम और चेहरे सामने आए हैं जिस पर सीबीआई का शिकंजा कसना तय हो चुका है। कुछ नहीं हुआ, सीबीआई ने डिमांड कर ले गया था चार दिन के लिए, उसके बाद आया और कहा कि हमारी इंटोगेशन पूरा हो गई और इसलिए हमको ज़रूरत नहीं है, हम उनका सुपुर्द करते हैं न्यायिक हिरासत में। बेल की प्रक्रिया क्या, अब सोमवार से हम लोग उसके काम में लग गए हैं, क्योंकि जेल में नहीं थी इसलिए वकालतनामा नहीं आ सका था, बाहर सीबीआई की कस्टडी में थी। अगली तारीख 21 को आएंगी। ना ना, सीबीआई की डिमांड खत्म हो, जुडिशियल कस्टडी में चले गई। जुडिशियल कस्टडी क्या हुआ? आज बस इतने हुआ कि अंसारी साहब उनके जो सरकारी वकील हैं सीबीआई के, उन्होंने आवेदन देकर कहा कि हम इनको जो ले गए थे हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई और हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, जो पूछना था हमने पूछ लिया, उसके साथ इनको हम हैंड ओवर करते हैं और इनको जुडिशियल कस्टडी में बेउर भेज दिया जाएगा। उसका कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। डायरी की जिक्र हुई है कि कोर्ट वर्ड में नेताओं का नाम, कुछ लोगों का नाम, ना वो सब कोई चर्चा भी नहीं, कोई चर्चा नहीं, जो भी सीबीआई की कस्टडी में होगा। फैसला अभी कुछ ना ना कुछ नहीं, अभी सब प्रस्तुत कर लिया। मेरा नाम अरविंद तिवारी, अधिवक्ता है रजनी प्रिया। ओके, क्या कहेंगे अपने आप कुछ कहना चाहेंगे अगर क्या